हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम एक बहुत इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कैट एग्जाम, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है ये एग्जाम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम्स की स्टूडेंट्स के बीच में, उनके करियर में, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, और क्या ज़रूरी है कि कैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए हमें कोचिंग क्लासेस करनी होगी या सेल्फ स्टडी भी सफिशिएंट है इसके लिए। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। और आज का हमारा जो वीडियो का मेन मोटिव है कि जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो कैट की प्रिपरेशन करें बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हेल्प के बगैर भी, तो उनके लिए वीडियो हमने खासकर बनाया हुआ है कि बिना कोचिंग के आप कैसे कैट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियोस, इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। ठीक है गाइज, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कैट एग्ज़ाम की। क्या होता है कैट एग्ज़ाम, कौन एलिजिबल है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो कैट एग्ज़ाम दे सकते हैं। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको सभी को पता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप मैनेजमेंट के कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो। इंडिया के जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कॉलेज हैं जैसे कि IIM अहमदाबाद, बैंगलोर और जितने भी IIMs के कॉलेजेस हैं और उस और भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस मैनेजमेंट के, उनमें एडमिशन के लिए बच्चा अप्लाई करता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है। आपको पता है क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट हो तो आप कैट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब या आप फ्रेशर हो, क्या आप वर्किंग हो, आप दोनों ही केसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। क्या आप काफ़ी टाइम से आप किसी जॉब में हो बट आपको ग्रोथ नहीं मिलती है, एक प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप किसी पोस्ट पे बिल्कुल अपने करियर को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन में हो, कोई प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप कैट एग्ज़ाम देके एक अच्छे लेवल पे एक अच्छा जंप कर सकते हो और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टूडेंट का जो मेन मोटिव होता है एग्ज़ाम के लिए कैट एग्ज़ाम, कि उनको एक अच्छा पैकेज मिलता है, एक अच्छी पोजीशन कंपनी में, एक अच्छी पोजीशन मिलती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। जो आप अगर आप फाइनल ईयर में भी हो अपने ग्रेजुएशन के, तो भी आप एग्ज़ाम में कोई लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इस एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें, हम एग्ज़ाम कैट 2021 की बात कर रहे हैं। 28th of November को इसका एग्ज़ाम होना है। फॉर्म फिल हो चुके हैं, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन्होंने अप्लाई कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद फ्रेश दे रहे हों, पहली बार पहला अटैम्प्ट हो, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो जिसने शायद इस एग्ज़ाम को दिया होगा पहले बट किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ये एग्ज़ाम, ये प्रिपरेशन, हम टोटल हमारा जो प्रोग्राम है वो 60 डेज़ का है। 60 डेज़ हैं अभी आपके एग्ज़ाम में, और आप आज से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, कोई मुश्किल एग्ज़ाम ऐसा मुश्किल नहीं है कि अगर आपने मेहनत की तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। अगर आप मेहनत करोगे, अपने टाइम को अच्छे से डिवाइड करोगे, मोटिवेटेड रहोगे और अपने टाइम को अच्छे से डिवोट करोगे अपनी पढ़ाई में, तो बिल्कुल बिल्कुल आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो सबसे हम डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा पैटर्न होना चाहिए, कैसे हम पढ़ाई करें और किस तरह से हम अपने रूटीन को, अपने टाइम को डिवाइड करें। 60 डेज़ की बात कर रहा हूँ, इन 60 डेज़ में जिससे हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि कैट जो क्वालिफाई करता है उसकी परसेंटाइल आती है 99.9%, 96%, 98%। ये परसेंटाइल क्या है, क्यों है, क्या सभी को लगता है कि यार इतने परसेंटाइल स्कोर करना तो बहुत मुश्किल होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्ट पैटर्न भी नहीं पता होगा कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे मार्किंग होती है, ये सभी चीज़ें। तो गाइज वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और उसका एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस, ट्रेंड क्या है, कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, इन सभी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। इस एग्ज़ाम में बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, या फिर कह लो कि ये पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
सेकेंड आपका है DINLR यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और जो थर्ड पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इन्हीं के सिलेबस को हमें डिस्कस करना है कि इन तीन पार्ट्स में कितना सिलेबस कवर हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो तीन पार्ट्स में है जो कवर करता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ये तीन सेक्शंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया अपने वीडियो में आगे, बट जो मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं क्वांट के वो यही हैं, अलजेब्रा, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री। उसी तरह DI और लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, DI में डेटा के जो चार्ट्स हैं, टेबल है, पाई चार्ट्स हैं, बार ग्राफ हैं, वेन डायग्राम्स हैं, सेटिंग अरेंजमेंट है, टीम फॉर्मेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट पैसेजेस, बेसिकली ये आपके DI और LR में आता है कंबाइंड होके। अब थर्ड पार्ट जो हमारा है वो वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या आता है, जंबल्ड पैराग्राफ, पैरा समरी, पिकिंग द आउट ऑफ नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस फ्रॉम द जंबल्ड पैराग्राफ, और आपके कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेसिकली आपके ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट सिलेबस का पार्ट है जो ये तीनों टॉपिक्स कवर करते हैं। अब हर टॉपिक की अपनी अलग वेटेज है, इंपॉर्टेंस है। आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो लगभग 26 क्वेश्चंस आते हैं उससे, लास्ट ईयर का मैं पैटर्न बता रहा हूँ। इस ईयर, इस साल में भी कुछ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, बट लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो क्या थे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 26 क्वेश्चंस, DI और LR से 24 क्वेश्चंस, और वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 26। दैट मीन्स कि टोटल 76 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम्स में। इस साल भी यही हो सकता है, या फिर थोड़े क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इनमें से कम हो जाएंगे। 23 क्वेश्चन आ सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, 23 आएगा वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, और 22 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके DI में और LR में, ठीक है। तो टोटल मिला के आपका हो जाएगा 68 क्वेश्चन। तो मे बी ये पॉसिबिलिटी है, बट हम श्योर नहीं है अभी। तो जहाँ तक चांसेस हैं 76 क्वेश्चन लास्ट पैटर्न के हिसाब से, अदरवाइज थोड़ा सा चेंज हुआ तो 68 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अब हम सिलेबस डिटेल में देख लो, आपके स्क्रीन पे पूरा सिलेबस डिटेल में होगा कि किस टॉपिक से क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, उसके क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। जो लेवल होगा वो 10th लेवल होता है, इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अब हम सेकेंड चीज़ जो डिस्कस करेंगे सिलेबस के बाद वो है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। क्या पैटर्न है इस एग्ज़ाम का, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितना टाइम होता है, ये सारी चीज़ें। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बेसिकली तीन टॉपिक्स हैं, आपको पता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 26 क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन में 40 मिनट मिलता है हमें। जैसे कि अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करते हो 26 क्वेश्चन 40 मिनट में, DINLR 24 क्वेश्चन 40 मिनट्स में, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इट विल टेक ऑल्सो 26 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिवाइड करते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, MCQ बेस्ड, नॉन MCQ बेस्ड। अब ये भी देख लो, जैसे कि हमारा वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें 18 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे MCQ बेस्ड होते हैं, और 8 क्वेश्चन जो है वो नॉन MCQ बेस्ड होगा। उसी तरह DI और LR में 18 क्वेश्चन MCQs के और 6 क्वेश्चन नॉन MCQs के, क्वांटिटिव में भी 18 क्वेश्चन MCQs में और 8 क्वेश्चन नॉन MCQs। दैट मीन्स कि टोटल MCQ के 18 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएंगे, नॉन MCQs में 8, 6 और 8, ठीक है। टाइम आपको पता है ईच सेक्शन के लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे, दैट मीन टोटल 120 मिनट्स का पेपर होगा 2 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हमने डिवीजन करके लिख रखा है कि जो फर्स्ट सेक्शन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उससे 78 मार्क्स आएंगे, 72 मार्क्स आएंगे DI और LR से, और थर्ड सेक्शन जो क्वांट का है उससे भी आएंगे 78 मार्क्स। दैट मीन टोटल 228 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। अब पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, अब हम देखते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अब हमें स्टार्ट कैसे करनी है, क्या करना होगा हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो गाइज ये हमारा प्रोग्राम है 60 डेज का, मतलब कि 60 दिनों में हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हों या ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। सबसे पहले तो आपको अपनी एबिलिटी या अपना स्टेटस चेक करना होगा कि आप अभी कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर का सैम्पल, प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो या सैम्पल पेपर ले सकते हो, कोई भी जो कैट में, जिसका कैट के पैटर्न पे बेस्ड हो या प्रीवियस ईयर जो एग्जैक्टली कैट का पेपर होगा, उस पेपर को आपको एक बार सॉल्व करना है। हर सेक्शन को आपको अपने एनालाइज करना होगा कि हर सेक्शन से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अब मैंने कुछ
एक ग्राफ बनाया हुआ है, या एक कह लो कि एक हमने एक लाइन बना रखी है डिवीजन करके, कि अगर आप इतने से इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपका लेवल क्या होगा। आपका लेवल डिसाइड करने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है। अगर आप एक सेक्शन से, हर सेक्शन से 8 या 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो सही, दैट मीन्स कि आप बेसिक लेवल पे हो, आपकी प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब आपका जो मेजर पोर्शन होना चाहिए वो होना चाहिए आपके मॉक टेस्ट और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। अगर आप 11-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो हर सेक्शन से, दैट मीन्स कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि अगर आप बेसिक लेवल पे हो, अगर आप 8 से 9 क्वेश्चन हर सेक्शन में अटेम्प्ट कर लेते हो सही क्वेश्चन, दैट मीन कि आपके 90% मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, जहाँ पे आप हर सेक्शन से 11-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप 90 से 95% स्कोर करोगे कैट में, ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल में हो तो आप 13 से 15 क्वेश्चन हर सेक्शन में अटेम्प्ट कर सकते हो, कर रहे हो और आपके सही होते हैं, दैट मीन्स कि आप एडवांस लेवल पे हो और आप 95 से 99% के बीच में स्कोर करोगे और अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज, ये जो मैंने आपको एक लेवल का डिस्क्रिप्शन बताया कि आप कैसे डिसाइड करोगे, कैसे जज करोगे किस लेवल पे हो, ये आपको टाइम टू टाइम करना होगा। अभी स्टार्ट करने से पहले और हर 10 दिन के बाद अपने आप को आपको अपना चेक करना होगा कि आप किस लेवल तक पहुंचे हो, क्या डे बाय डे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि आपका स्टेटस क्या है, उस स्टेटस के बाद आप अपने स्टार्ट करोगे प्रिपरेशन को, ठीक है। अब जो लड़के फ्रेशर्स हैं, जो भी एस्पिरेंट बिल्कुल फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, वो ये नहीं सोचें कि यार ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेरा तो नहीं होने है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग, अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, प्रिपरेशन करोगे गाइज, तो बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। बहुत सारे हमारे टॉपर्स IIMs के ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कैट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, आप बिल्कुल एक एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करोगे कि हाँ नहीं गाइज मैं क्वालिफाई करूँगा। अब हम बात करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है। तो ये जो 60 डेज का प्रोग्राम है, इसको मैंने डिवाइड किया है 40+20 में। 40 डेज कम्प्लीटली जो फ्रेशर्स हैं या जो भी काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कितनी भी लंबी प्रिपरेशन करो, ये आखिरी के 2 महीने किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने साल भर पढ़ाई करी बट लास्ट में आपने अपना फ्लो तोड़ दिया या प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन को ध्यान नहीं दिया, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन या आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये लास्ट के 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए, चाहे वो 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या वो बिल्कुल फ्रेशर हो, ठीक है। तो 60 डेज को हमें बहुत ही वाइजली, बहुत स्मार्टली मैनेज करना होगा। तो मैंने इन 60 डेज को 40+20 में डिवाइड कर दिया। 40 डेज में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे और 20 डेज हम रिवीजन के लिए रखेंगे। अब हमारे 40 डेज और 20 डेज डिवाइड हो गए कि हमें करना क्या, पढ़ना कितना है। अब हम बात करेंगे कि अपना टाइम टेबल। अब मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल बनाया हुआ है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे आप अपने सब्जेक्ट्स को फोकस करोगे। तो गाइस, मंडे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ वर्बल एबिलिटी पढ़ोगे और पर डे आपको एटलीस्ट 6 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे, पर डे 6 आवर्स, ठीक है। यानी कि 360 आवर्स आपके कैट प्रिपरेशन के लिए बहुत इनफ है, ठीक है। इन 360 आवर्स को हम 360 डिग्री से कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे, यही वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो मैंने आपका टाइम टेबल बना दिया। मंडे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्बल एबिलिटी पढ़ोगे 3-3 घंटे, जिसमें से 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे और 1 घंटा आप मॉक टेस्ट के लिए रखोगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। उसके बाद ट्यूसडे में आप LRDI और वर्बल एबिलिटी करोगे, वेंसडे को आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और LRDI कर रहे हो, ठीक है। ये टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया, बट जो भी स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बट जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको इतना टाइम डिवोट करना होगा, रेगुलर एक टाइम टेबल एक फिक्स टाइम टेबल होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। वीकेंड हमने फ्री रखा है, वीकेंड को फ्री का मतलब छुट्टी के लिए नहीं, वीकेंड को हमने फ्री रखा है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तभी आप रियलाइज करोगे कि डे बाय डे आपकी प्रिपरेशन कितना आप इंप्रूव कर रहे हो, कितना सीख रहे हो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके बढ़ते हैं कि नहीं। और उस मॉक टेस्ट को आप एनालाइज भी करोगे कि आपने कहाँ पे एरर किया, कहाँ पे गलती करी, क्यों क्वेश्चन गलत हुआ,
क्या रीज़न था गलत होने का, आपने कितना टाइम लिया क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है। आपकी एक्यूरेसी, आपकी टाइमिंग, एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव। हर चीज़ को आपको कैलकुलेट करना होगा और हर चीज़ को इम्प्रूव करना होगा हर मॉक टेस्ट में। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपको कितना भी सिलेबस पता हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, अगर आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो चीज़ फिर यूज़फुल नहीं होगी और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको बहुत लॉस होगा। तो गाइज बार बार मैं कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर्स की। या क्वांट में हमने देखा कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्वांट को बेसिकली हमने तीन सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, अलजेब्रा में, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री में। इन सभी सेक्शंस को हम कवर करेंगे। वैसे ही डीआई में हम बार ग्राफ है या ग्राफ और चार्ट्स पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स जैसे क्वेश्चंस हैं इनको फॉलो करेंगे, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है इनको लगाएंगे। और थर्ड सेक्शन जो आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको डेली सुबह एक घंटे का टाइम आपको न्यूज़पेपर में डिवोट करना होगा। आपको डेली अच्छे से अच्छे न्यूज़पेपर, आप किसी भी टॉपर्स से बात करोगे, किसी भी टॉपर्स के वीडियो देखोगे, तो वो हर कोई आपको ये सजेस्ट करेगा कि आप एक अच्छे न्यूज़पेपर की हैबिट डालो रीड करने की, उनके आर्टिकल्स को पढ़ो। क्योंकि बहुत बार पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली उन पैसेज उन न्यूज़पेपर से ही आते हैं। द हिंदू हो गया, गार्डियन है, या और भी जो इंडियन एक्सप्रेस है, अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं, आप उनको ज़रूर फॉलो करें। उनमें से वोकैब आपको मिलेगी बहुत अच्छी, आपकी वोकैब्स तैयार होगी, आपको आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का तैयार होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इनफैक्ट इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा 60 डेज़ का प्रोग्राम। मैंने डेली वाइज आपको बता दिया है कि आपको हर दिन को आपको कैसे डिवाइड करना है, कितना टाइम किस में देना है, आपको रेगुलर बेसिस से मॉक टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा, और हर 10 दिन पे एनालाइज़ करो कि आपके किस स्टेज तक पहुँचे हो, क्या आप बेसिक लेवल पे ही हो, क्या आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुँच चुके हो, या आप एडवांस लेवल पे पहुँच गए हो। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल तक भी पहुँच जाते हो तो आप आईआईएम्स तो नहीं, बट हाँ और भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो उसके स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप कैट की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो साथ में बहुत सारे एग्जाम्स और भी होते हैं मैनेजमेंट स्कूल्स के, कॉलेजेस के, जिनमें आप एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज अच्छे से प्रिपेयर करो, और कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी में या सिलेबस के रिगार्डिंग या बुक्स के रिगार्डिंग आपको कोई इशू होती है तो आप हमसे डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हो। अब हम जो बात कर रहे थे, क्या ज़रूरी है कैट एग्ज़ाम्स के लिए कोचिंग ज्वाइन करना, तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोचिंग मस्ट है ज्वाइन करना, बिल्कुल भी नहीं। आज की डेट में वैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। तो आपके पास भी यूट्यूब चैनल है, आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे ऐसे वीडियोज़ होंगे या क्लासेज हैं जो आपको फ्री में भी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। या फिर आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से हो या बेसिक से भी कम पे हो, अगर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी नहीं क्लियर है तो आप फर्स्ट टाइम के लिए एक बार कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बट आप इतना अटेम्प्ट कर सकते हो, आप बेसिक लेवल पे हो तो ज़रूरत नहीं है आपको कोचिंग के लिए। आप ऑनलाइन वीडियोज़ देखो, अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट पेपर्स दो, प्रैक्टिस करो, आपके लिए इतना बहुत होगा। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ ये था हमारी स्ट्रैटेजी कैट एग्ज़ाम के लिए। बिना कोचिंग के हम क्रैक कर सकते हैं कैट एग्ज़ाम को, इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होता है। बस हमें चाहिए डेडिकेशन, अपनी फोकस और बहुत सारा पॉजिटिव एटीट्यूड। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे बिना किसी कोचिंग के हम बिल्कुल कैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट किया हुआ है क्वालिफाई करके। और आपको बहुत अच्छे बुक्स मटेरियल चाहिए होगा, उसके लिए अच्छा कंटेंट चाहिए होगा, उसके लिए लिंक्स हैं जो आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन अमेज़ॉन या वेबसाइट्स पे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो गाइज अपनी प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, कैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो एक भी दिन लॉस किए बिना आज से ही इन बुक्स को फॉलो करो, अपनी टाइम टेबल स्ट्रैटेजी बनाओ और प्रैक्टिस में लग जाओ। थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट एग्ज़ाम्स एंड योर प्रिपरेशन। थैंक्स अ लॉट।